हाय दोस्तों, क्रिएटिव एक्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे 12 वोल्ट बैटरी का चार्जर। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हर वीडियो पाने के लिए। आप सभी दोस्तों से आशा करूंगा इस वीडियो को ध्यान से माना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए 12 वोल्ट का बैटरी। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में 700 रुपये में मिल जाएंगे। इस बैटरी को हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों ये संतोष का है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर है। देखिए दोस्तों ये 12 6 6 12, ये 2 एम्पियर का है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो साइड में दो पिन है ना, ये हमारा 220 वोल्ट एसी का है। इसकी ऑपोजिट साइड में जो दोनों पिन है, ये हमारा 12 12 का है और बीच में जो है वो हमारा 6 का है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखना, हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर को हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए 2200 माइक्रोमीटर का कैपेसिटर। देखिए दोस्तों ये 25 वोल्ट का है और ये 2200 माइक्रोवोल्ट का, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए 5.08 का डायोड। देखिए दोस्तों ये 5.08 का है। देखिए दोस्तों डायोड में जो व्हाइट मार्क है ना, इस व्हाइट मार्क के साइड में जो पिन है, इस दोनों डायोड का पिन को हम एक साथ जोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों मैं इसको जोड़ रहा हूँ। आप दोस्तों इस पिन को हम एक साथ सोल्डर कर लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने सोल्डर कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम इस डायोड का दोनों पिन को हम ट्रांसफार्मर के इस दोनों पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे। दोस्तों चलिए पहले इसको सोल्डर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने डायोड के पिन को सोल्डर कर लिया। देखिए दोस्तों कैपेसिटर का जो दोनों पिन है, इस पिन को हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों कैपेसिटर में जो ब्लैक कलर का आइकन है, उस पिन को हम ट्रांसफार्मर के पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे और दूसरी पिन को हम डायोड के साथ सोल्डर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले इसको सोल्डर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इस सर्किट को तैयार कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए कुछ वायर। उसके बाद दोस्तों इस वायर को हम ट्रांसफार्मर की एसी इनपुट के साथ सोल्डर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्डर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं सोल्डर कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिए, हमारा जो डायोड का पिन है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और कैपेसिटर का जो पिन है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल। दोस्तों इस रेड वायर को हम पॉजिटिव में देंगे सोल्डर करेंगे और ब्लैक वायर को इस नेगेटिव में सोल्डर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले इसको सोल्डर कर लेते हैं। अब दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के डीसी आउटपुट का वायर को हम बैटरी के साथ सोल्डर कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए इसको सोल्डर कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इस रेड वायर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में सोल्डर करेंगे और ब्लैक वायर को नेगेटिव टर्मिनल में सोल्डर करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा बैटरी चार्जर बन गया। अब दोस्तों इस बैटरी को हम चेक करेंगे इसमें कितना वोल्ट है। तो चलिए दोस्तों हम इसे मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, इसमें 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इस बैटरी को हम चार्ज में लगाएंगे।
उसके बाद देखेंगे इसमें कितना वोल्ट आता है। ठीक, चलिए दोस्तों इसको पहले चार्ज में लगा लेते हैं। दोस्तों इस 220 वोल्ट का जो हमारा वायर है, इस वायर पे आप प्लग यूज करिए, नहीं तो आपको शॉक लगने का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों देखिए, मैं 220 वोल्ट से कनेक्ट कर लिया। देखिए दोस्तों, हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। अब दोस्तों इस बैटरी को हम चेक करेंगे इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए दोस्तों, 12.36 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारा बैटरी चार्ज हो गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।